सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, अभी हम लोग हैं फिश एंड फन भोपाल में और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं। और भाई मैं अभिषेक भैया के साथ आया हूँ। और हेलो अभिषेक भैया। सो भाई, अभिषेक भैया और हम लोग आज आए हुए थे एक्वेरियम लिख की शॉप पे, क्योंकि हमें और भी सारा सामान लेना था। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊँ जो भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली आप सभी के लिए। सो अभी देखो भाई, हम लोग इसमें से कुछ फिश सिलेक्ट करने वाले अपने घर के लिए और आप सबको भी दिखाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को दिखने वाली है यहाँ पे गोल्ड फिश की वैरायटी, जो थोड़ी एक्जॉटिक में है, जो बहुत प्यारी लग रही है भाई। आप लोग देखो ये फिश भाई भोपाल की सबसे ज़्यादा होलसेल प्राइस में, अगर आपको कोई फिश वगैरह एक्वेरियम बाय करना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और ये देखो टेट्रा वैरायटी में यहाँ पे, ये देखिए। और जो प्राइस वगैरह है वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि भाई जो है प्राइस जो है यहाँ का ऊपर नीचे होता रहता है। आप अगर आप होलसेल में लेते हो तो आपका उसका प्राइस अलग रहेगा, और अगर आप रिटेल में देखो तो उसका प्राइस अलग होगा। बट प्राइस बहुत अच्छा है, यू कैन विजिट एंड बाय सम आइटम। भाई ये देखो गाइस, ये देखिए ये रखी हुई है गप्पी सी वैरायटी। ये सारी ब्रांडेड एक्वेरियम के फिशेज हैं गाइस जो रखी हुई हैं। ये देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे गाइस लिक्विड डाला हुआ है जो कि स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस कम करता है फिशेज को लेकर। यहाँ पे इनका साइज छोटा है, देखिए यहाँ पे छोटा साइज है तो यहाँ बड़ा साइज है। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फिशेस देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये देखो भाई डम्बो ईयर देखने को मिल रही है फर्स्ट, देखो। सो गाइस ये है ब्लैक गप्पीस, गप्पीस के तो बहुत वैरायटी है। और गाइस ये देखो, ये है मॉलीस, कॉमन मॉलीस, इसमें सारी वैरायटीज है भाई आपको देखने को मिलेगी यार। ये देखो आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ डजन में बाय कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो मॉलीस की और जो वैरायटीज आती हैं ये सब हैं। और लास्ट में रखी हुई है कोई इम्पोर्टेड कोई, देख रहे हो। और भाई यहाँ पर आ जाता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ। ये देखो क्या रखा हुआ भाई, देखो सबसे पहले ये देखो, मिल्की कार अभिषेक करना। सो गाइज ये रखिए मिल्की कार। सो गाइज ये है प्लांटेड एक्वेरियम के फिशेस यार, देखो कौन टेट्रा वैरायटीज के, विडो टेट्रा भाई। और प्लांटेड एक्वेरियम में क्या लग रही है भाई, बहुत प्यारी। किसी को अगर प्लांटेड एक्वेरियम का शौक है या हॉबीज है सो आप लोग प्लांटेड एक्वेरियम बना सकते हो। यहाँ पे प्लांटेड एक्वेरियम पूरा कंप्लीट सेटअप भाई, ये वाला टैंक पूरा खाली है, मतलब इसमें नया स्टॉक आने वाला है। ये है प्लांटेड एक्वेरियम का सेटअप, ये देखिए एक फिश है ओनली, टाइगर बार भाई ये। सो गाइस ये देखो डिस्कस, तो गाइस ऊपर मेरी फेवरेट फिश है अरवाना, और अरवाना भाई बहुत लकी फिश है। सो गाइस ये देखो विडो टैग भाई, क्या लग रही है ये पूरा सेटअप के साथ है भाई। अरवाना जो है भाई, देखो अरवाना देखो आप लोग, ये देखो नॉर्मल कोइस, इम्पोर्टेड कोइस। सो अभी हम लोग इस वाला कवर करते हैं, यहाँ पे भी प्लांटेड एक्वेरियम रखा हुआ है। देखो भाई एक बार दूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी भाई। ये इम्पोर्टेड बेटा भी है उसमें, पाकू गाइस ये देखिए पाकू पिलाना यार, पाकू तो बहुत सही लग रही है। एक बेटा रखिए इसके अंदर, फुल मून बेटा है भाई, देखो फुल मून बेटा। ये देखो गाइस क्या तो सारे फिशेज हैं, और मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ गाइस। इसके अलावा कुछ एक यूनिक फिश देखने को मिलेगा इस, ये देखिए कोरिडोरास ऊपर, ये है कोरिडोरास, ये देखिए गाइस कोरिडोरास ये रखी हुई है भाई। इतनी फिश है भाई, मैं थक जाऊंगा फिर बताते बताते बट। और ये यहाँ पे रखा हुआ है स्टॉक बेटा का, ये देखिए दोस्तों ये है बेटा का स्टॉक पूरा।
और लाइन से यहाँ पे और भी बेटास जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। उस साइड चलते हैं, इस साइड आओ, इस साइड आओ। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांटेड एक्वेरियम के फिशेस। अभी मैं प्लान करता हूँ यार अपने घर पे रखने का, ये वाले फिशेस मैं प्लान करूँगा। अभी अपन बिगिनर लेवल पे हैं, तो बिगिनर लेवल पे थोड़ा देखेंगे, बिगिनर लेवल के फिश पालेंगे, और अगर थोड़ा अच्छा बनता अपना टाइम तो फिर मैं ये वाले फिश ज़रूर रखूँगा अपने घर पर, है ना। सो अभिषेक भाई बात कर रहे हैं, अभिषेक भाई बात कर रहे हैं कि भाई अम्मी बिगिनर हैं, एक्वेरियम भी लिया, मैं आपको भी एक्वेरियम भी दिखा दूंगा अपने घर जाके। ये देखिए अभिषेक भैया, ये से क्या बनता है? रेड कैप बोलता हूँ मैं तो इसको, ओरिंडा कैप। ये गाइस अपन सबकी कॉमन एंजल फिश, इसमें व्हाइट एंजल भी है, ब्लैक एंजल भी है। भाई सबसे यहाँ पे एक्वेरियम भाई बस। सो गाइस ये देखो पूरा यहाँ पे कितने सारे एक्वेरियम, ये टेट्रा वेराइटीज यार, ये देखो, ये वेडो टेट्रा, ये नियॉन टेट्रा, टेट्रा नहीं है वेडो टेट्रा भाई, नियॉन कलर, नियॉन कलर। सो गाइस ये देखो, सो गाइस ये है रेड टेल। अभिषेक भाई मेरे को पीछे से गाइड कर रहे हैं नाम बताते हुए फिश का। अभिषेक भाई ये देखिए दोस्तों, और भाई इन्होंने पूरा काउंटर ही बना के रखा है, पूरा काउंटर ही फिश का बना के रखा है, पूरा काउंटर ही फिश का है। ये देखो पूरा जो काउंटर है गाइस, ये पूरा ही फिश का है। अभिषेक भैया देख रहे हैं, अभिषेक भैया आ जाओ। ये देखो दोस्तों, ये है घोस्ट फिश, ब्लैक घोस्ट फिश, इसको नाइफ फिश भी बोलते हैं और कई लोग जी भाई। सो ये देखो, देखो दोस्तों बहुत सारी यार नाइफ फिश। अभिषेक भैया तुम क्या बोलते हो, कल पालोगे फिर ये वाली फिश? भाई बिल्कुल, अभी हमारे घर पे दोस्तों 3 टैंक हो चुके हैं, कल मैंने एक टैंक लिया था और आज एक मैंने एक टैंक लिया। लगता है 2024 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है भाई, क्या बोलते हो? ये देखो दोस्तों बताओ कैसा लग रहा है, कौन कौन ये पालना चाहता है? मैं पालूंगा इसको जल्दी एक पर भाई। ये देखिए दोस्तों, भाई जितना भी फिश हॉबीज है ना, वो यहाँ पे एक दिन आराम से रुक के फिशेस देखते रहेंगे भाई, कितनी ज़्यादा मस्त है। ये देखिए दोस्तों, कुछ यूनिक देखने को मिला यहाँ पे हमें, यूनिक ईल फिश भाई। क्या है ईल फिश भाई? दोस्तों ईल फिश बता, हार्डी फिश है? हाँ भाई ईल फिश हार्डी फिश है, अभी भाई बोल रहे हैं हार्डी फिश है भाई। हार्डी फिश मतलब हार्ड वाटर में सर्वाइव कर लेती है, और कोई बिगिनर है तो वो भी पाल सकते हैं, कुछ यूनिक भाई। और जितने भी नए लोग हैं ना भाई, वो डर जाएंगे भाई, नहीं बिगिनर तो नहीं पाल सकते भाई, केयर मेंटेनेंस ज़्यादा भाई। अच्छा दोस्तों, ये देखो ईल दिखा रहा हूँ मैं, जो एकदम सांप की तरह दिख रही है, स्नेक स्नेक। इम्पोर्टेंट ऑस्कर भाई, ये इम्पोर्टेड ऑस्कर। अब मेरे पास 3 टैंक हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी उसमें ऑस्कर भी पालने की कोशिश करेंगे। मैं कितनी सारी फिशेस पालूंगा गाइस। ऊपर रेडटेल कैटफिश भाई, ये देखिए रेडटेल कैटफिश। दोस्तों ये है रेडटेल गोल्डफिश और कैटफिश, कैटफिश अरवाना। इस साइड आ जाओ। सो दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये देखो अंदर का मैं आपको 360 दिखा देता हूँ, पहले कितने सारे फिशेस हैं, एक एक करके पूरा दिखाऊंगा मैं आप सभी को। ये देखो दोस्तों, हाँ अभिषेक भैया देखो, ये भाई टेम्पल बार तो भाई वैरायटी है, बार की वैरायटी है, टेम्पल बार की वैरायटी भाई। कितनी सारी फिश हैं यार, कितनी सारी फिश गिन सकते हो आप लोग गाइस? अगर जिसने सही गिना वो कमेंट सेक्शन में इनका नंबर लिखो, एक गेस कर सकते हो आप, 100, 200 या 300। सो गाइस ये देखो अरवाना यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो गाइस मोस्ट एग्जॉटिक फिश मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। ये देखो अरापाइमा, अरापाइमा देखिए, अरापाइमा देखो गाइस, अभिषेक भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं अरवाना के साथ अरापाइमा। हाँ भाई ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अभिषेक भाई ने मुझे बताया कि भाई ये देखो अरापाइमा। अभिषेक भाई को भी यहाँ पे देखिए फिश एंड फन में,
तो हम लोग आ चुके हैं इसको दिखाने आप सभी को। भाई चीज तो बढ़िया है भाई, मॉन्स्टर फिश की वैरायटी है भाई ये, मॉन्स्टर फिश की एक पे भाई, एक पे बढ़िया है भाई। ये तो पहाड़िया लग रही है, अच्छी अच्छी कंडीशन में भाई, एग्जॉटिक क्वालिटी, जापानीज कोई जापानीज कोई कोई भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी में, कंडीशन भी बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। यहाँ पे थोड़े प्लांट वगैरह रखे हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़े प्लांट वगैरह रखे हैं जिसको प्लांट वगैरह का शौक है, क्योंकि हम लोग भी आने वाले समय में प्लांटेशन एक्वेरियम बना रहे हैं हम लोग, तो हमें भी हेल्प करेगी। ये देखो प्लांट वगैरह सारे प्लांट हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, यहाँ से ये सारी ना दोस्तों, ये रखिए और पैरेट पैरेट में भी ना कपेरा है। तो दोस्तों ये है चिचलेट भाई, ये पूरी चिचलेट वैरायटी है दोस्तों, देखो चिचलेट वैरायटी। अभिषेक भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज, ये देखो यार टाइम पूरा खाली, ये देखो ये है ब्लैक कैटफिश जो भाई बहुत ज्यादा यूज क्वांटिटी में, भाई ब्लैक शार्क बोलते हैं, ब्लैक शार्क इरिटेशन शार्क, ब्लैक शार्क दोस्तों। ये देखो पूरी, ये देखो ये है पाकू, पाकू का साइज छोटा है ये वाला, करीब 4 इंच का 3 इंच का स्नेगल, मॉन्स्टर फिश की वैरायटी भाई। सो गाइस ये देखो स्नेगल सेमी मॉन्स्टर, ये स्नेगल फिश भाई, सेमी मॉन्स्टर में आती है भाई स्नेगल फिश यार, बहुत सारी फिश। एलिगेटर जैसा दिख रहा है एलिगेटर फिश है ना, और उसके बाजू में देखो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जॉटिक ईल फिश ये ऑस्कर फिश, तो देखिए ये है ऑस्कर, ये पैरेट की वैरायटी अब देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों पैरेट, साइज में डिफरेंट है, 3-4 इंच से 6 इंच का साइज इसके अंदर अवेलेबल है, आप लोग आ सकते हो। तो ये दिखा दोस्तों ये देखिए गोरामी फिश। सो गाइस गोरामी की सारी जो बहुत सरल साइज में गोरामी फिश, सो गाइस गोरामी का जो साइज है सो गाइस ये है गोरामी का बड़ा साइज है, और इससे भी बड़ा साइज मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये है जाइंट गोरामी, इनको बोलते हैं किसिंग गोरामीस। ये देखो भाई गोरामी का साइज, इससे बड़ा भी साइज आता है। सो गाइस इस भाई साहब यहाँ पे इस अभी तक की सबसे बड़ी अरवाना, गोल्डन पर्ल। देखो भाई क्या लग रही है, ये देखो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ एक बार, नजर नहीं हट रही भाई, ये देखो क्या क्वालिटी भाई, ये देखो भाई एक से बढ़कर एक मछली दिखी रही है। देखो भाई एक बार दूर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई अभिषेक भाई दिखा रहा है, ये देखो कहाँ कहाँ तक देखे यार, जहाँ अभिषेक भाई इधर देखो, वहीं खड़े रहो इधर देखो, ये देखो भाई अरवाना देखो, बताओ गाइस ये देखो पैरेट फिश का साइज यार, साइज गेस करो आप कितना होगा भाई, 2 फीट साइज इसका। हाँ भाई भाई पता नहीं 2 फीट नहीं, कैमरे में समझ में नहीं आ रहा भाई, लेकिन अप्रोक्स 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा ज़्यादा है ना, क्योंकि ये देखो क्योंकि गाइस रियल में देखने में फिश अलग दिख रही है और कैमरे में अलग दिख रही है। ये भाई ये अरवाना की वैरायटी है, ये देखो जापानी कोई बता दो भाई, ये गाइस ये है जापानीज कोई, ये नॉर्मल कोई से ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ब्राइटनेस है, ब्राइटर है भाई, ये ज़्यादा सुंदर है नॉर्मल कोई से। ये देखिए दोस्तों सो गाइस ये वीडियो भी काफी बड़ा बन रहा है, 14 से 15 ये देखिए दोस्तों
ये है कौन से शार्क है भाई? ये एल्बिनो शार्क बोल सकते हैं इसको, एल्बिनो। भाई मैं फिश वगैरह के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन जानता हूँ मैंने दिया, बाकी जितना अभिषेक भैया ने को ने बोला था उतना अभिषेक भैया ने। सो गाइस ये है सुपर हाई बैग खरवाना जो ऊपर रखी हुए, और ये लास्ट स्टॉक है ये देखो, क्योंकि हमने पूरा कवर कर चुका है, ये पूरा लास्ट लाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है देखो पर्ल अरवाना, ये है पर्ल अरवाना जो ऊपर रखी है, ये देखो दूर सबसे यूनिक जो लग रही है देखो भाई। ये सारी जो है भाई ये नॉन वेज फिश है, नॉन वेजिटेरियन फिश है, इनको रखना बाकी फिशेस से थोड़ा सा अलग है, जो अपन पालते हैं वो नॉर्मल फिश है, ये थोड़ा अलग है। ये देखो भाई क्वालिटी तो सुपर है। सो भाई ये अब मैं इस फिश वीडियो को एंड करता हूँ, वो भी अरवाना पे, क्योंकि अरवाना भाई मेरी फेवरेट फिशेस में से एक है, मेरे को भाई बहुत ज़्यादा पसंद है अरवाना। ये देखो भाई अरवाना ही अरवाना भाई, ये देखो। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।